हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के एक और प्रेस वीडियो में। साथियों, आज कुछ जिलों का मार्च बिल पास हुआ है और कुछ जिलों का पेमेंट आया है, और साथियों उसके बाद में बात करेंगे जो बेरोजगारों को इंटर्नशिप देने में समस्या आ रही है। तो साथियों, आखिरकार सरकार क्या चाहती है, इस पर हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। तो साथियों, आप वीडियो के एंड तक बने रहिए, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। तो दोस्तों चलो यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मार्च बिल की, तो वो कौन से ज़िले हैं जिनका मार्च बिल पास हुआ है। तो साथियों यहाँ पर आप देख सकते हो नागौर जिले का एक बार फिर से बिल पास किया गया है। जिन साथियों का 25 मार्च को फॉर्म अप्रूवल हुआ था उनका 903 रुपये बिल पास किया गया है, और साथियों आप यहाँ पर देख सकते हो 8000 रुपये भी बिल पास किया गया है, जो कि वह साथी हैं जिनका फरवरी बिल पास नहीं हुआ था, उनका फरवरी और मार्च दोनों को मिलाकर बिल पास किया गया है। तो साथियों यहाँ पर नागौर जिले से अभी तक के सभी के बिल पास नहीं हुए हैं, बाकी जिन साथियों के बिल पास हो गए हैं वो कमेंट जरूर करें, और साथियों जिनके बिल पास नहीं हुए हैं वह आज शाम तक या फिर कल तक बिल पास हो जाएंगे, तो वह टेंशन ना करें। तो साथियों आपको पिछले वीडियो में हमने बताया था कि 28 जिलों का मार्च बिल पास हो गया है। तो साथियों इसके बाद में हम बात कर लेते हैं पेमेंट की, तो वह कौन से ज़िले हैं जिनका आज पेमेंट आया है। तो साथियों सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो सवाई माधोपुर ज़िले का पेमेंट आया है, और साथियों आपको बता दें कि यहाँ पर फीमेल और मेल का दोनों का पेमेंट एक साथ आया है। तो जो भी मेरे साथी यहाँ से सवाई माधोपुर ज़िले से हैं वो अपना पेमेंट ज़रूर चेक कर ले, और साथियों बूंदी से भी अपडेट मिली है कि उनका भी पेमेंट आ चुका है, लेकिन अभी तक हमें स्क्रीनशॉट नहीं मिला है, हम आपको उसका भी प्रूफ अगले वीडियो में बता देंगे। बाकी साथियों इन ज़िलों को मिलाकर कुल 17 ज़िले ऐसे हो गए जिनका मार्च 2022 का पेमेंट आ चुका है। और साथियों अब बात कर लेते हैं बेरोजगारों को इंटर्नशिप देने में क्या समस्या हो रही है। तो साथियों आप यहां पर देख सकते हो न्यूज में, जिसमें साफ साफ लिखा है कि सीएम युवा संबल योजना इंटर्नशिप में गैरहाजिरी मिले 10 बेरोजगार युवाओं को, भत्ते में होगी कटौती। तो साथियों ये खबर भरतपुर से है, तो आप इसको पूरी देख सकते हो, इसमें हाजिरी की यानी कि नई समस्या और आई है। तो साथियों लगातार सरकार बेरोजगारों को परेशान कर रही है, हर बार कुछ ना कुछ परेशानी लेकर सामने आ जाते हैं। तो साथियों इसके अलावा एक और अपडेट मिली है जो जिला रोजगार कार्यालय दौसा से हैं, आप यहां पर देख सकते हो इसमें लिखा हुआ है कि सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे अपनी SSO ID मोबाइल से मोबाइल में नहीं खोले, मोबाइल में ID खोलने पर अटेंडेंस का ऑप्शन हट जाता है, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। तो साथियों ये मोबाइल में खोलने पर हमारे ये अटेंडेंस का ऑप्शन हट जाता है, बाकी साथियों ये वापस भी आ जाता है लेकिन इसमें टाइम लगता है, किसी किसी का साथियों का नहीं भी आता है। साथियों का अभी अभी 18 मई 2022 को फॉर्म अप्रूवल हुआ था, उनको ये सभी को ये मैसेज भी आ रहा है। तो साथियों ये भी अच्छी बात है, जिसको पता नहीं चलता कि हमारा फॉर्म अप्रूवल हुआ है या नहीं हुआ है, तो उनको भी इस SMS से पता चलेगा ये सभी के आए हैं जिनका फॉर्म अप्रूवल हुआ है। बाकी साथियों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। तो साथियों कोई भी बिल पास या पेमेंट जारी होता है मार्च का, तो हम अगले वीडियो में आपको अपडेट दे देंगे। तो साथियों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।